नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी तिरुची। हेलो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं पीएचडी पूरी सीरीज, जहां सीरीज में हम हर एक छोटी छोटी चीज को डिस्कस करेंगे जो पीएचडी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और आज हमारे साथ है नरसिंह चरण प्रधान भैया, ये मेरे बड़े भैया की तरह हैं और ऑलरेडी एनआईटी तिरुची में फाइनल ईयर में पीएचडी कर रहे हैं। भैया ऑलरेडी डीआरडीओ में भी काम कर चुके हैं, इसके साथ साथ भैया ने ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए हैं बहुत बड़े बड़े जर्नल्स के साथ। तो मुझे ऐसा लगा कि भैया एक परफेक्ट कैंडिडेट है जो आपको ये समझा सकते हैं कि पीएचडी की इम्पोर्टेंस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो भैया सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा पीएचडी क्या है। देखो, पीएचडी एक बहुत पॉपुलर कोर्स है जिसे करने के बाद आपके नाम के साथ साथ डॉक्टर की टाइटल लग जाती है। पीएचडी करना एक गर्व की बात है, ये नॉट इवन इन इंडिया, वर्ल्ड में इसको हाईएस्ट डिग्री माना जाता है पीएचडी डिग्री को। और पीएचडी डिग्री आपको करना है तो आपको पेशेंस के साथ साथ आपको डेडिकेशन भी चाहिए। मतलब सिंपली आप जैसे यूजी या पीजी की तरह पीएचडी नहीं कर सकते, क्योंकि 5 साल का एक लॉन्ग टर्म कोर्स होता है। हाँ, फिर पीएचडी जो सिंपल फॉर्म में हम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। भैया एक और क्वेश्चन इसमें से निकल कर आता है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार बीटेक करने से प्लेसमेंट होता है, एमटेक करने से प्लेसमेंट होता है, पीएचडी करने के बाद हमें पता एक तो हमारी लाइफ भी निकल जाती है, 30 साल की उम्र हो जाती है, तो हम पीएचडी करें क्यों, आवश्यकता क्या है, नीड क्या है पीएचडी करने के। देखो ये बहुत मतलब काम की बात, मतलब सवाल पूछा है। चीज ये कि आपको मतलब सबका एम होता है कि कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई अलग अलग, सबका अलग अलग सोच होती है। जो जिन लोगों का सोच ये है कि मुझे प्रोफेसर बनना है या लेक्चरर बनना है, सबका अलग अलग सोच है, सबका अलग अलग ड्रीम होती है। मतलब मेरा ड्रीम है कि मुझे प्रोफेसर बनना है, तो जिन लोगों का ड्रीम है प्रोफेसर बनना है उनको पीएचडी डिग्री चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आजकल जो अपने 2021 इन इंडिया जैसे एमएचआरडी ने अभी रूल पास किया कि आपको कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज में आपको प्रोफेसर या लेक्चर बनना है तो आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, कंपलसरी कर दिया अभी। तो इसी कारण से आपको पीएचडी डिग्री अर्न करना ही है। और प्रोफेसर आपको मान लो कि आप कोई रिसर्च एनालिस्ट करना है, कोई आईएसओ लैब या डीआरडीओ लैब, कहीं जगह आपको रिसर्च एनालिस्ट का इम्प्रूव करना है या कोई आगे बढ़ना है रिसर्च के साथ साथ, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेनली प्रोफेसर का जॉब और लेक्चर जॉब के लिए पीएचडी का मतलब मैंडेटरी है। पीएचडी के साथ साथ क्या है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है इसके अलावा भी, जैसे भैया ने मुझे ऑलरेडी बताया है। तो एक दिन हम क्या करेंगे, इस पर अपॉर्चुनिटीज के ऊपर एक पूरा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको ये बताएंगे कि पीएचडी के बाद क्या फायदा है, अगर आप कहीं जाते हो तो जैसे रिसर्च एनालिस्ट जाते हो तो आपको क्या पे मिलेगा, जॉब पोजीशन क्या मिलेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर एसोसिएट में क्या डिफरेंस होता है, हर चीज को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर आता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया जैसे एमटेक में मैंने देखा है लोग डिस्टेंस लर्निंग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, कोई विदेश से कर रहा है पर डिस्टेंस लर्निंग कर रहा है, कोई पार्ट टाइम कर रहा है, तो क्या पीएचडी में भी कोई टाइप्स होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होते। पीएचडी में भी पहले मतलब जस्ट बिफोर 3-4 कैटेगरी होती थी पीएचडी में, 4 कैटेगरी, जैसे आप फुल टाइम होती है कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी आपका पार्ट टाइम, थर्ड कैटेगरी स्पॉन्सर एंड फोर्थ कैटेगरी डिस्टेंस। लेकिन फिलहाल अभी इंडिया गवर्नमेंट ने वो डिस्टेंस एजुकेशन जो पीएचडी कर रहे हैं उनको अभी ये नहीं कर रहा, मतलब रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं कर रहा है, तो अभी मतलब फिलहाल 3 कैटेगरी है, एक फुल टाइम, एक पार्ट टाइम एंड एक स्पॉन्सर कैटेगरी। जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग पीएचडी को हटा दिया गया है तो अब ये नहीं होता है, तो 3 कैटेगरी है, तो भैया से जानते हैं कि इन तीनों कैटेगरी के अंदर मतलब क्या ड्यूरेशन रहता है, टेन्योर रहता है, हम क्या करते हैं, किसमें क्या नहीं करते हैं, तो हम मतलब जो प्रोस कॉन हर चीज के बारे में जानते हैं। फुल टाइम पीएचडी में ये होता है, जैसे आप कहीं एडमिशन लिए, कोई एनआईटी आईआईटी कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए, तो आपको पूरा 3-5 ईयर आपको वही इंस्टीट्यूट में आपको टाइम देना पड़ता है, आपको पूरा टाइम स्पेंड करना पड़ा है वही इंस्टीट्यूट में 3-5 ईयर। मोस्टली आपका 3-5 ईयर आपको लैब में स्पेंड करना पड़ता है, सारे रिसर्च वर्क जो भी आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको लैब में स्पेंड करना पड़ता है, वो फुल टाइम होती है। आपको फुल टाइम आपको स्टाइपेंड, जैसे अलग अलग स्टाइपेंड होती है, एमएचआरडी का स्टाइपेंड, एसटीआरएस का स्टाइपेंड, फिर आपका जेआरएफ स्टाइपेंड, अलग अलग स्टाइपेंड होती है, वो स्टाइपेंड आपको दिया जाता है वो फुल टाइम। अप्रोक्सीमेटली क्या मतलब अपन को मिलता है यहाँ पे स्टाइपेंड अगर फुल टाइम करते हैं तो? फुल टाइम करते हो देखो वो बताना मुश्किल है क्योंकि बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटी और अलग अलग का स्टाइपेंड, जैसे डाइट स्कीम रह गया, विश्वसरिया स्कीम,
वो 45-50 आसपास मिलता है और आपको JRF अलग मिलता है, फिर BMRF नहीं रह गया। लेकिन जनरल स्टेटमेंट में बोलूँ तो PhD स्टाइपेंड जो इंडिया में है, MHRD स्टाइपेंड, तो JRF जो फर्स्ट दो साल के लिए 31,000 मिलता है, फिर अगले जो तीन साल के लिए आपको 35,000 मिलता है एक्सक्लूडिंग HR। अब बाहर रुक रहे तो फिर सिटी हिसाब से 16%, 18%, 80% या 24% आपको HR अलग, अच्छा HR अलग मिल जाता है इसके साथ साथ। तो मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं जैसे PMRF और बहुत सारी, तो उनके बारे में हम लोग एक दिन डिस्कस करेंगे। मतलब सेकंड कैटेगरी आती है पार्ट टाइम। पार्ट टाइम जैसे पार्ट टाइम बेसिकली जो लोग काम करते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन में, मान के चलो ISR हो या DRDO या भाभा एटॉमिक रिसर्च, जो लोग काम करते हैं ऑलरेडी एम्प्लॉय है, तो उन लोग के लिए फिर यहाँ आके फिर 3-4 साल यहाँ टाइम देना कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट में वो दिक्कत है उन लोग के लिए। तो उन लोग क्या करते हैं, एक साल के लिए या 6 महीने के लिए आके कोई इंस्टीट्यूट में एनरोल कर लेते हैं PhD, तो कोर्स खत्म कर लेते हैं, खत्म करने में फिर अपना जो पुराना जगह जाके फिर अपना काम शुरू करते हैं। बस ये पार्ट टाइम ओनली बिकॉज ऑफ दोस पीपल, दोस आर वर्किंग सम R&D लैब और सम ऑर्गेनाइजेशन, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन। फुल टाइम के 3-5 ईयर लगता है, लेकिन पार्ट टाइम जो करते हैं 5-7 ईयर उनके लिए ड्यूरेशन रहता है। तो यहाँ पर पे वगैरह क्या मिलता है हमें, कुछ मिलता है पार्ट टाइम के लिए? नहीं, पार्ट टाइम के लिए तो पे वगैरह कुछ नहीं, पार्ट टाइम में कोई पे नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम देयर, तो यू आर नॉट गेटिंग मनी। और भैया ये थर्ड कैटेगरी आती है, दैट इज स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। ये स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है AICT स्पॉन्सर करेगा, जैसे QIP है, ठीक है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ओके, जो फैकल्टी ऑलरेडी वहाँ एम्प्लॉय है, मान लो महाराष्ट्र या कोई उड़ीसा या कोई कोई स्टेट में, मतलब मैं महाराष्ट्र का हूँ तो महाराष्ट्र में कई कॉलेज में एम्प्लॉय होंगे, कोई कॉलेज में, ठीक है, प्रोफेसर कहीं पर प्रोफेसर हूँ, ऐसा कोई कुछ भी हूँ, तो मुझे कॉलेज वाले क्या करेंगे, मुझे स्पॉन्सर करेंगे कि जाओ ये कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट में तुम जाके PhD एनरोल करो, ठीक है। तो उसी टाइम क्या होगा, मेरा वो जो 3 साल टाइम मिलता है वो 3 साल में डेप्यूटेशन में रहूंगा, ठीक है, कॉलेज से मुझे पैसा, मतलब जहाँ मैं ज्वाइन करूंगा PhD वहाँ मुझे पैसा कुछ नहीं मिलेगा, सैलरी स्टाइपेंड वगैरह, मुझे AICD से 15,000 मिलेगा, 15,000। उसके अलावा मेरा जो सैलरी रहेगा, मेरा जहाँ नौकरी कर रहा हूँ मैं, जहाँ जितना सैलरी मेरा उतना सैलरी वो प्लस रहेगा, प्लस 15,000 पर मंथ AICD से मुझे वो बोनस की तरह वो दिया जाएगा। अच्छा, 15,000। तो मतलब कुछ AICD भी मतलब सिलेक्ट करता होगा कुछ बेस्ट कैंडिडेट्स को। एग्जैक्टली, है ना, हाँ, ऐसा QIP प्रोग्राम के लिए। ओके, तो मतलब मुझे लगता है ना कि आज हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चंस को कवर किया, दैट इज व्हाट इज PhD, हमें नीड क्यों है PhD की और टाइप्स क्या होते हैं PhD के। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर आप लोगों को कोई डाउट हो इस जो हमने पूरी कॉन्वर्सेशन की उसके रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या आज से वैलिड अगर कोई अच्छा क्वेश्चन होगा, तो अगर वो छोटा क्वेश्चन होगा तो हम उसे कमेंट में ही बता देंगे, अगर बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग भी उसके ऊपर वीडियो कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, भैया ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। अच्छी बात पता है क्या है, सिर्फ आप लोग नहीं सीख रहे हैं, मैं भी यहाँ M.Tech कैंडिडेट हूँ, मैं खुद भी सीख रहा हूँ भैया से, कि मुझे भी इतना ज्यादा कुछ PhD के बारे में नहीं पता चल रहा है, जब बात कर रहे हैं ना तो इतना ज्यादा पता चल रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और भैया से हम लोग इस तरीके से PhD सीरीज के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। नमस्कार।